अब गर्मियां शुरू होते ही बाजारों में गर्मी में मिलने वाली चीज़ें भी अत्यधिक मात्रा में दिखाई दे रही हैं और लोग इन चीज़ों को काफ़ी अधिक मात्रा में पसंद भी कर रहे हैं। अब विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो कि गर्मियों में शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होती हैं बाजारों में दिखाई दे रही हैं। इन्हीं में से एक है पुदीना। पुदीना भी अब भरतपुर के बाजारों में काफ़ी अधिक मात्रा में दिखाई दे रहा है और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं क्योंकि पुदीना गर्मियों में शरीर के लिए काफ़ी अच्छा होता है और शरीर को ठंडक प्रदान करता है और शरीर को स्वस्थ रखता है। अब यह पुदीना भी भरतपुर की सब्जी मंडी में चारों तरफ दिखाई दे रहा है और लोग इसे पसंद कर रहे हैं। पहले पुदीना की कीमत सब्जी मंडी में 20 रुपये से लेकर के 30 रुपये किलो रहा करती थी, लेकिन अब गर्मी आते ही पुदीना की अत्यधिक डिमांड बढ़ गई है जिससे इसका भाव भी काफ़ी हो गया है। इसका भाव अब 60 से 70 रुपये किलो बढ़ गया है। पहले 20 से 30 रुपये किलो होता था लेकिन अब इसका भाव आसमान छू रहा है। लेकिन फिर भी लोग पुदीना को काफ़ी अधिक मात्रा में पसंद कर रहे हैं क्योंकि पुदीना को विभिन्न चीज़ों में उपयोग में लिया जाता है, जैसे कि गन्ने का रस, रायता एवं नींबू पानी जैसे चीज़ों में पुदीना को इस्तेमाल किया जाता है। अब पुदीना भरतपुर के बाज़ारों में काफ़ी अत्यधिक मात्रा में बिक रहा है और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम हेमंत सिंह है। गर्मी आती ही पुदीना की डिमांड अत्यधिक काफी बढ़ चुकी है। पहले इसका भाव 20 रुपए किलो था, अब इसका भाव एकदम 60 रुपए किलो हो चुका है। ये शरीर के लिए ठंडक प्रदान करता है और ये पुदीना का रायता और गन्ने के जूस में चलता है और गर्मी अत्यधिक बढ़ने पर इसका भाव बढ़ चुका है। क्या भाव बढ़ गया इसका? पहले कितना था? पहले 30 रुपए किलो था, अब 60 रुपए किलो हो चुका है।